अमेरिका में गोलीबारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा गोलीबारी पेंसिल्वेनिया प्रांत के पीटर्सबर्ग शहर में हुई, जहां एक हाउस पार्टी में अंधाधुंध फायरिंग से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। गोलीबारी के बाद मची भगदड़ में कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने एक बयान में बताया कि शहर में किराए पर लिए गए एक घर पर रात करीब 12:30 बजे पार्टी के दौरान गोलीबारी हुई। घटना के वक्त वहां 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर किशोर थे। पुलिस ने कहा कि पार्टी आयोजन स्थल के अंदर करीब 50 राउंड गोलियां चली। पीटर्सबर्ग के पुलिस कमांडर जॉन फिशर ने बताया कि घटना स्थल से राइफल और पिस्तौल के खाली कारतूस मिले हैं। पार्टी में करीब 200 लोग मौजूद थे। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई, 11 घायल हैं। कई लोग खिड़कियों से बाहर कूदने की वजह से जख्मी हुए। And besides the gunshot victims, we have people, I believe there were 2 that had broken legs from jumping out of windows. मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही पुलिस ने गोलीबारी के संदिग्धों के बारे में कोई जानकारी दी है। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, साथ ही भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि अमेरिका में आए दिन गोलीबारी होती रही है, लेकिन इस बार युवकों की पार्टी में गोलियां चली हैं। इस पार्टी में शामिल होने वाले ज्यादातर युवक किशोर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।